मालपुआ जो है वो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अलग अलग रेसिपीज होती है इसकी, अलग अलग फॉर्म्स होते हैं इसके। आज बनाते हैं मालपुआ, मेरी एक फेवरेट रेसिपी से। नमस्कार, मेरा नाम है वरुण नामदार एंड वेलकम टू फूड गैजम। इसके लिए हमें चाहिए सौंफ फ्लेवर के लिए, कार्डमम फ्लेवर के लिए, शुगर फॉर स्वीटनेस, मैदा, खोया, थोड़ा सा दही और घी फॉर फ्राइंग। आप वैसे अगर इसको बैटर बनाना चाहे तो आप दूध से भी बना सकते हैं और पानी से ही बना सकते हैं। सो दैट चॉइस इज एब्सोल्युटली आज रिचनेस के हिसाब से आप उसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेट्स बिगिन विद द रेसिपी। सबसे पहले लेते हैं मैदा। ये मैदा जो है वो मैंने छान के रखा हुआ है। एक कप मैदा, इसमें हम डालेंगे चीनी, कार्डमम पाउडर, सौंफ। सौंफ आप वैसे हल्का सा रोस्ट करके उसको क्रश करके भी डाल सकते हैं, बट आई प्रिफर इट होल बिकॉज आई लव द बाइट ऑफ सौंफ इन दिस मालपुआ रेसिपी। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा दही। आप एक कप में करीब 2 चम्मच दही डाल सकते हैं एंड आई एम गोइंग टू ऐड इन मिल्क एंड विद द हेल्प ऑफ अ फोक इसको हम हल्का सा फेंट लेंगे। वैसे ट्रेडिशनली जो मालपुए बनते हैं जो पूजा में नहीं जाते उसमें आप देखेंगे अक्सर रेसिपीज़ में ऐसा होता है कि अंडा भी जाता है, बट दिस इज़ एन एगलेस रेसिपी ऑफ दिस मालपुआ वर्जन। वैसे आप अगर देखें हिस्ट्री ऑफ इंडिया तो आप देखेंगे कि हर फेस्टिवल में मालपुए अलग अलग फॉर्म से अलग अलग रेसिपीज़ में बने जाते हैं। जगन्नाथ जी की जो यात्रा होती है उसमें 56 भोग में मालपुआ का नाम आता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड द रिलीजियस सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रेसिपी। आप दूध या पानी जो है वैसे इस रेसिपी में आप बैटर कंसिस्टेंसी होने तक आप वैसे डाल सकते हैं। अगर आप ये रेसिपी देखें तो आई हैव नॉट एडेड खोया इन दिस टिल नाउ, क्योंकि खोया हम तब डालेंगे जब इसके सारे लंप्स निकल जाएंगे, बिकॉज मावा विल गिव इट दैट ग्रेनी टेक्सचर एंड दैट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद द लंप्स ऑफ द मैदा। ये हो गया मिक्सचर नाइस एंड इवन। अब इसमें हम डालेंगे खोया, क्रश्ड खोया है। इसको हमने बिल्कुल भुना नहीं है, इसको बस ग्रेट कर लिया है हमने। और ये जाएगा हमारे मालपुए के इस बैटर में। इसके हल्के हल्के से हम लंप्स है जो बैक ऑफ द फोक से हम तोड़ देंगे इसे एंड देयर रेडी इज योर बैटर ऑफ मालपुआ। अब हम एक पैन ले लेंगे और उसमें हम गरम करने रख देंगे हमारा घी, और ये जैसे ही गरम हो जाए हम इसमें डाल देंगे स्पूनफुल्स ऑफ दिस बैटर। नाउ द साइज ऑफ द मालपुआ डिपेंड्स ऑन एब्सोल्युटली योर प्रेफरेंस। आप इसे छोटे छोटे बना सकते हैं, आप उसे पैन के साइज का भी बना सकते हैं। सो दैट ऑप्शन आई लीव इट टू यू। इसमें अब हम रिलीज करेंगे स्पूनफुल्स ऑफ दिस मिक्सचर ऑन मीडियम फ्लेम। अगर आप इसे गैस पे बना रहे हैं तो मीडियम फ्लेम पे रखें, इंडक्शन पे रख रहे हैं तो उसे लो पॉइंट पे रखें। हम बनाएंगे 4 छोटे साइज के मालपुए। आई शैल नाउ वेट फॉर दिस टू बिकम नाइस एंड लाइटली गोल्डन ऑन द एजेस एंड देन फ्लिप इट ओवर। देयर यू गो, द अरोमा ऑफ घी, शुगर, कार्डमम, फेनेल एंड खोया कमिंग टुगेदर, इट्स सिंपली माइंड ब्लोइंग। कर देंगे फ्लिप। Instead of adding sugar to the recipe, what you can do is skip the sugar and make a syrup out of that sugar. और ये जैसे हो जाए उसमें आप उसे सिरप में डाल दें और फिर सिरप वाले मालपुए तैयार हो जाएंगे। Beautiful golden brown मालपुआ। I'll just quickly remove this on a draining plate. और अगर आप देखें draining plate पर मैंने एक tissue paper रखा हुआ है which is going to absorb all the fats, oils or the ghee. And what I also have is some chopped pistachios and almonds. गर्मा गर्म मज़ेदार मीठे मालपुए है तैयार। अब इसे कर देते एक प्लेट पे ट्रांसफ़र एंड what I'm going to do here, I'm going to actually create like a little bit of a stack so that it looks better. और इसके ऊपर I'm going to add little more of the khoya. Some pistachio slices and some almonds.
और ये है तैयार हमारे मीठे स्वादिष्ट मालपुए। एंजॉय करें, इसे घर पे बनाएं एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस वीडियो वॉज ब्रॉट टू बाई ग्रह शोभा एंड वन नेटवर्क।